हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस मोल्ड के थ्रू शू का पॉट बना के दिखाऊंगी। ये मेरी नीस के बेटे का है, अयांश का, और ये मैं उससे लेकर आई थी कि इसका मैं कुछ ट्राई करूंगी। तो इस पे अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है और फिर हम इसे सीमेंट से बनाएंगे। जो मिक्सचर इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सीमेंट और सैंड, जिसमें दो पार्ट्स हमारे सीमेंट के हैं और वन पार्ट हमारा सैंड का है। और इसको हमने बिल्कुल सेमी हार्डी मिक्सचर रखना है, जिसमें कि ना तो ये ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। और इस पर हम ड्राई सीमेंट का यूज़ करते रहेंगे साथ के साथ, ताकि इसकी शेप अच्छे से सेट होती रहे। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, आप भी बना सकते हैं बहुत प्यारा सा शू पॉट। शेप अब रेडी हो गई है और इसे अब हम सूखने को रख देंगे। ये मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसके नीचे का बेस हमको लगाना है, उसके लिए हम सीमेंट को फ्लैट करके डाल देंगे और उसकी शेप बना लेंगे, जैसे कि हमारे शूज़ की शेप बनी हुई है। और इसी की शेप बनाकर और इसमें एक अच्छे से ड्रेनेज होल भी बना देंगे, ताकि हमारा पौधा भी इसमें ख़राब ना हो। तो ये पूरा हम बनाकर इसमें ड्रेनेज होल बनाकर ही इसको अच्छे से इस पर रखकर पेस्ट कर लेंगे। और इसको अच्छे से पेस्ट करना है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए और इसमें कहीं भी कोई और लीकेज ना रहे। ये भी हमारा सूख चुका है। अब इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि इसको कैसे निकालना है मोल्ड को। इसको इजीली हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑयलिंग भी की हुई थी और ये प्लास्टिक का है तो ये इजीली निकल जाता है। अब हम इसका भी बेस रेडी कर लेंगे। ऐसे ही वो वाला जो मैंने बेस रेडी किया था, ये शू भी रेडी हो गया है। और आप देखिए, ये अच्छे से इसमें अटैच हो गया है, प्रॉपर ड्रेनेज होल भी बन गया है। और अब इसको मैं और सुखा कर फिर कलर करूँगी। इसके साथ जो मेरा सीमेंट थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बच जाता है, वो बचा था, तो मैंने उसकी हार्ट शेप बना ली है। इस पर भी मैं कलरिंग करूँगी। तो ये देखिए, दोनों शूज़ तैयार हो चुके हैं, दोनों के बेस भी रेडी हैं। अब दोनों को अच्छे से सूखने के लिए रख देना है हमको, और उसके बाद ही हम इसमें कलर अप्लाई करेंगे। पहले मैं कलर अप्लाई करने से पहले इसमें सीमेंट का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है और एक बेस भी बन जाता है कलरिंग से पहले। इसके बाद ही अब हम कलर करना स्टार्ट करेंगे इसको सूखने के बाद। अब मैं अपना मनचाहा कलर इसमें कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। Thank you.
आपको बताना चाहूंगी कि मेरा बहुत मन करता था कि मैं शू पॉट्स लूं, क्योंकि मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे शू पॉट्स आते हैं सिरेमिक के, तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो मैं ले नहीं पाई थी उनको कभी भी। और आज मैंने ये खुद से बना लिए हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिल रही है जो मैं खरीद के लेकर आती। तो देखिए आप, इसमें एलोवेरा के प्लांट्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं। इसका मदर प्लांट था, उसके बेबीज में से मैंने ये प्लांट्स निकाले हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको भी पसंद आए होंगे। अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।